एक तरफ सलमान खान को बिश्नोई गैंग के शूटर से बचाने की मुहिम सोमी अली ने शुरू की है, तो दूसरी ओर सलमान खान के दुश्मन नंबर एक लॉरेंस बिश्नोई की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर लॉरेंस गैंग सलमान खान की जान की दुश्मन बनी है, तो इस वक्त 5 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई की जान के दुश्मन हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। सलमान खान की जान का दुश्मन है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने ऐसे कई दुश्मन तैयार कर लिए हैं जो बेहद खतरनाक हैं और उसकी जान के प्यासे हैं। लेकिन जो 5 चेहरे इस वक्त लॉरेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनमें बम्बिहा गैंग का सुप्रीत सिंह बुढ़ा, इसी गैंग से ताल्लुक रखने वाला लकी पटियाल, इसके अलावा गैंगस्टर कौशल चौधरी, नीरज भवाना और जग्गू भगवान पुरिया इस वक्त लॉरेंस के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। और कहा जा रहा है अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आता है तो उस पर ये 5 गैंग हमला जरूर करेंगे। इसकी वजह भी समझिए, लॉरेंस बिश्नोई का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है सुप्रीत सिंह बुढ़ा, जिसके गैंग का नाम है बम्बिहा गैंग। जब लॉरेंस बिश्नोई के साथी अमित शरण की हत्या हुई, उसके बाद सुप्रीत सिंह बुढ़ा और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। सुखप्रीत सिंह बुढ़ा अभी कपूरथला जेल में बंद है। लॉरेंस का दूसरा दुश्मन है आर्मेनिया में मौजूद लकी पटियाल, ये भी बम्बिहा गैंग से ही ताल्लुक रखता है। लकी पटियाल खुद को बम्बिहा गैंग का मुखिया मानता है। भारत ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। लॉरेंस ने उसको मारने के लिए सचिन थापन और रोहित गोदारा को आर्मेनिया भेजा था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल ये शूटर्स लॉरेंस के गुर्गे लकी पटियाल को मार नहीं पाए। पर लकी इसके बाद लॉरेंस का दुश्मन बन गया। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का एक और दुश्मन है कौशल चौधरी। कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही विक्की मिद्दू खेड़ा को मारने वालों को हथियार मुहैया कराया था, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। Z News.